अगली खबर भी कोरिया जिले से ही है, जहां कोरिया जिले के चिरमिरी के मोहन नगर इलाके में चांदनी नाम की 30 साल की महिला ने फांसी के फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस घटना में चिरमिरी पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि एक युवक से मृतिका का प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों के बीच शादी को लेकर विवाद भी होता था। पुलिस ने मामले की जांच कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतिका की बहन का कहना है कि घटना की रात मृतिका और उसका प्रेमी दोनों साथ में ही थे। दोनों के बीच 8 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उनके बीच झगड़े होने लगे, जिसकी वजह से मृतिका ने ये कदम उठाया है। पहले वो बरौनी का काम में रखा है ना, इसके बाद मेरे को रखते रखते बोला कि मैं ऐसे करते कर काम करते करते फिर मेरे साथ वो गलत करने के लिए बोला, तो मैं उसको दो बार मना भी की है ना। मैं बोली मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो बोले नहीं, मैं तेरे बच्चे का पूरा ख्याल रखूँगी और पूरा उसका साथ दूँगी, उसका स्कूल उसकूल का सब फीस मैं पटाऊँगी है ना। ऐसे करते करते मेरे को 2 साल से रखा। अब रखने के बाद में बोलते हैं अब नहीं रखूँगा। और हम लोग जब जब उसको बोलते थे तो बोलता था मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगा और नहीं तो मैं तेरे से शादी कर लूँगा है। और जब जब मैं बोलती थी तब तब मेरे से झगड़ा करते थे है। और मेरे को अब घर से भी निकाल दिए और बोलते हैं अब नहीं रखूँगा और अपना अब देख ले तू जुगाड़। हाँ, फिर मैं थाने में गई, इसके बाद मैं रिपोर्ट की। हल्दीबाड़ी घुटी दफाई की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराया था थाने में कि 2 साल से गौतम बोस निवासी कालीबाड़ी घुटी दफाई के यहाँ बरौनी का काम करती थी, खाना वगैरह भी बनाती थी उसके यहाँ। तब वह 2 साल पहले ही उसको पत्नी बनाऊंगा कहकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था और उसके बाद से लगातार वह उसका शारीरिक शोषण करता रहा और उसको शादी करके पत्नी बनाकर जीवन भर साथ रखूंगा ऐसा प्रलोभन देता रहा, परंतु अब 3 माह पूर्व पत्नी बनाने से इनकार कर दिया। इस कारण दिनांक 19/12/16 को प्रार्थिया के द्वारा पीड़िता के द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया, जिसकी रिपोर्ट पर थाने में धारा 376/493 IPC के तहत मामला पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की गई और आरोपी गौतम बोस को आज दिनांक 6/1/16 को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी जो गौतम बोस है, इसका उम्र 62 वर्ष इसके द्वारा बताया गया है।